यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 ऐसे होगी यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की निगरानी जाने यहाँ। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जीआरएस टेक्निकल। तो कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड बहुत ही बड़ी अपडेट देने वाली हूँ। तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, 8 मई से होने वाली यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए कंट्रोल रूम बनाने के लिए कवायद शुरू हो गई है। राज्य के संयुक्त शिक्षा निदेशक भगवती सिंह ने सभी संयुक्त शिक्षा निदेशकों को चिट्ठी भेजकर कंट्रोल रूम के बारे में सूचनाएं मांगी है। परीक्षा की निगरानी के लिए हर डिवीजन में 2-2 कंप्यूटर और कंप्यूटर ऑपरेटर भी भेजने को कहा गया है। यूपी में कंट्रोल रूम से परीक्षा केंद्रों की ऑनलाइन निगरानी की जाएगी। इसके लिए हर जिले में कंट्रोल रूम बनाया गया है। साथ ही साथ परीक्षा केंद्र का स्टैटिक आईपीसी एड्रेस, राउटर आईपीसी एड्रेस, यूज़र नेम, पासवर्ड डीवीआर, एनवीआर सीरियल नंबर आदि भी मांगी गई है। परीक्षा के सेंटर्स लगभग तय कर लिए गए हैं। एग्जाम्स में कोरोना प्रोटोकॉल का भी सख्ती से पालन किया जाएगा। 21 अप्रैल को आजमगढ़, सहारनपुर, गोरखपुर, बरेली, वाराणसी, झांसी, चित्रकूट, मिर्ज़ापुर और मेरठ में कंप्यूटर ऑपरेटर्स को रिपोर्ट करने को कहा गया है। वहीं 22 तारीख को आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बस्ती, देवीपाटन, मुरादाबाद, प्रयागराज, कानपुर और लखनऊ डिवीज़न के कंप्यूटर ऑपरेटर्स रिपोर्ट करेंगे। कंट्रोल रूम से प्रदेश भर के परीक्षा केंद्रों की ऑनलाइन निगरानी की जाएगी। किस सेंटर पर क्या चल रहा है, इसकी जानकारी माउस पर क्लिक करते ही मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश में अगले माह से बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। यहां क्लास 10वीं की फाइनल परीक्षा 8 मई से 25 मई के बीच 2 शिफ्टों में होगी। पहली शिफ्ट सुबह 8 से 11:30 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर में 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको आज का ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।